नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मॉनसून के टूटने के कारण लू की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम का राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना 7 जुलाई तक नहीं है। हरियाणा सरकार अब राज्य में आंदोलनकारी किसानों पर करेगी सख्ती। राज्य सरकार ने सख्ती के दिए संकेत और कहा कि आंदोलन स्थल आपराधिक वारदातों का केंद्र बन गया है। इसके साथ ही राज्य ने अपने हिस्से के 3 टोल प्लाजा को करवा दिया है शुरू। ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने भारत में स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के परीक्षणों की अनुमति से किया इनकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST शासन के 4 सालों में कर हुआ 2 गुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर इनोवेशन का जज्बा है तो देश में इसके तेजी से अनुकूलन का जुनून है। यही कारण है कि डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है और आत्मनिर्भर भारत की प्रथा है। डिजिटल इंडिया भारत की ताकत का 21वीं सदी का नारा है। भारत में ईंधन की खपत जून में बढ़ी क्योंकि लॉकडाउन में मिली ढील। राज्य द्वारा संचालित रिफाइनर ने पिछले महीने 2.12 मिलियन टन गैसोलीन की बिक्री की, जो मई से 29.35% और 1 साल पहले की अवधि से लगभग 5.7% अधिक है। डॉक्टर एंथनी फॉसी, व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार, ने बताया कि डेल्टा संक्रमण में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिक कुशलता से फैलने की क्षमता है। यह और भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और कहा ये चीजें बन सकती है परेशानी का कारण। वैक्सीन की कमी पर असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा कि असम में 1 या 2 जुलाई को COVID-19 टीकों की 6 लाख खुराकें मिलेंगी और फिर राज्य में आपूर्ति बढ़ेगी। बिजली की खपत लगभग 10% बढ़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल जून में बिजली की मांग और खपत में रिकवरी उतनी धीमी नहीं रही जितना महीनों की दूसरी छमाही में मानसून के जल्दी शुरू होने के अनुमान में देखने को मिलती थी। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की दिल्ली में बैठक। बैठक में पंचायत, जिला परिषद चुनाव, नगर निगम चुनाव जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। इसी प्रकार देश भर की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।